हे गाइस वेलकम बैक टू बिगो। तो आज हम गाइस बात करेंगे कैसे आप लोग अपने फ्री फायर का पुराना आईडी को वापस ला सकते हो। जी गाइस, अगर आप लोग अपने पुराना आईडी को वापस लाना चाहते हो, आपका पुराना आईडी लगभग खो चुका है, उसका आईडी पासवर्ड आप लोग भूल चुके हो, या फिर आपका कोई पुराना फोन के अंदर था, अभी आप लोग न्यू फोन के अंदर लॉग इन करना चाहते हो, या फिर बहुत दिन हो चुका आपका आईडी लॉग इन करे हुए, तो कैसे आप लोग उस वाले आईडी को लॉग इन कर सकते हो, कैसे आपका पुराना आईडी को आप लोग लॉग इन कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले। क्या बात है। तो चाहे आपका कोई भी रीजन हो, अगर आप लोग अपने पुराना फ्री फायर का आईडी को लॉग इन करना चाहते हो अपने फोन के अंदर, फेसबुक का हो या फिर गूगल का हो, तो कैसे कर सकते हो इस वीडियो को देखते हैं ना आपको पता चल जाएगा। बाकी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर बेगन है उसको वैसे कहना। तो चलिए शुरू कर दे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस वीडियो के अंदर मैं आपको फेसबुक का एंड गूगल का दोनों ही मेथड बताने वाला हूं, मतलब कोई भी आपका आईडी था आप लोग उसको वापस ला सकते हो बहुत इजीली। बाकी पुराना आईडी पे लॉग इन करने के लिए अभी का जो आपका आईडी है ना उसको आपको सबसे पहले लॉग आउट करना पड़ेगा। तो यहां पे सेटिंग में जाएगा, आप लोग लॉग आउट कर देना, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग देख लो कैसे करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको बैक करना है, मतलब गेम को एकदम मिनिमाइज कर देना, गेम को बैक करना एकदम अच्छे से। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, अपने फेसबुक के अंदर जाना है। सबसे पहले मैं आपको फेसबुक का ही मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद बताऊंगा मैं आपको कैसे आप लोग गूगल का आईडी को लॉग इन कर सकते हो दोबारा से, पुराना गूगल अकाउंट कैसे लॉग इन कर सकते हो। तो यहाँ पे फेसबुक के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर लॉग आउट का एक ऑप्शन मिलेगा, सब लोग देख सकते हो। आपको क्या करना है, लॉग आउट पर क्लिक करना है, एंड ऊपर में भी आपको मिल सकता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, ज़्यादा लोग यहाँ पे नीचे मिलेगा, तो लॉग आउट पर क्लिक करना, फिर दोबारा से लॉग आउट पर क्लिक करना, एंड इसके बाद आपका जो आईडी है लॉग आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे गाइस देख सकते हो लॉग इन इनटू अनदर अकाउंट का एक ऑप्शन मिल रहा है, आप लोग इस पे क्लिक करना। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले गाइस, अगर आपको फीफा के अंदर फ्री में डायमंड चाहिए, फिर फ्री में रेम कोड चाहिए, पैसे वगैरह चाहिए, तो आपके लिए गाइस बहुत ही मस्त एक ऑफर आ चुका है आपके टाइम पे, जिसको आप लोग बहुत ही इजीली क्लेम कर सकते हो। ऑफर को कैसे क्लेम करना है, कैसे फ्री में डायमंड मिलेगा फीफा के तरफ से, ऐसा क्या ऑफर है, अगर आपको जानना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको और एक वीडियो का लिंक मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसको जाके देख लेना। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, आपका जो पुराना आईडी था ना उसका आपको नंबर डालना पड़ेगा। तो पुराना कोई सिम है, पुराना कोई आपका आईडी है ना, उसका नंबर आप लोग यहाँ पे डाल देना। नंबर डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड नहीं पता है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग इस पे क्लिक करना। फिर आपको दोबारा से यहाँ पे आपका पुराना फोन का जो नंबर है उसको आपको डालना पड़ेगा। तो आपका जो पुराना फोन या फिर पुराना जो फेसबुक आईडी है, पुराना जो आपका गेम का आईडी था ना, उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा। इसे डालोगे, उसके बाद सर्च करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका कौन सा आईडी था, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे आईडी वगैरह मिलेगा, तो जो भी आपका आईडी था आपको क्या करना है उस पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे पासवर्ड डालने का दोबारा ऑप्शन मिलेगा, अगर नहीं पता तो आप लोग ट्राई अनदर पे क्लिक करना। और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आप लोग कैसे रिकवर कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे देख सकते हो मेरा जीमेल अकाउंट दिखा रहे, तो मेरे पास अगर जीमेल अकाउंट है तो यहाँ पे मैं जीमेल अकाउंट पे कोड मंगा के दोबारा से इसको लॉग इन कर सकता हूँ। बाकी आपको यहाँ पे नंबर का भी ऑप्शन मिल सकता है, या फिर व्हाट्सएप का भी ऑप्शन मिल सकता है, टेक्स्ट का भी ऑप्शन मिल सकता है, तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अलग अलग कंडीशन में। एंड इस चीज़ को आप लोग अगर एकदम अच्छे से जानना चाहते हो तो आप लोग यूट्यूब के अंदर जगह सर्च भी कर सकते हो, ऐसे करके फेसबुक का पुराना आईडी, पुराना अकाउंट कैसे लॉग इन करें, ऐसे आप लोग सर्च कर लेना, बहुत सारे आपको वीडियोस मिले, एकदम अच्छे से आप लोग जान जाओगे। फिर आपका जो पुराना आईडी है ना उसको आप लोग अच्छे से लॉग इन कर लेना। तो चलो हम लोग यहाँ पे कोड मंगा के लॉग इन कर लेते, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, कोड आएगा, यहाँ पे मैं कोड डाल देता हूँ। इसके बाद जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद मेरा जो आईडी है लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हो मेरा आईडी लॉगिन हो चुका है। तो ऐसे आप लोग लॉगिन कर सकते हो अपना पुराना आईडी को, और एकदम अच्छे से आपको जाना है तो यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हो ऐसे करके पुराना आईडी को कैसे लॉगिन करें फेसबुक का। बाकी उसके बाद यहाँ पे जैसे लॉगिन कर लोगे उसके बाद आप लोग फ्री फायर को दोबारा से ओपन करना। जैसे ओपन करोगे यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे फेसबुक का ऑप्शन मिलेगा, तो फेसबुक आप लोग क्लिक करना। जैसे फेसबुक पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका जो आईडी है लॉगिन हो जाएगा। तो एक बार बस फोन के अंदर आपको लॉगिन करना है आपका पुराना आईडी को, मतलब फेसबुक आईडी को लॉगिन करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद फ्री फायर में जाके फेसबुक से जैसे लॉगिन करोगे आपका फ्री फायर का आईडी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो मेरा पुराना आईडी आ चुका है। तो ऐसे गाइस आप लोग ला सकते हो अपना फ्री फायर का, फेसबुक का पुराना आईडी को। तो कुछ इस तरह से आप लोग फेसबुक का पुराना आईडी लॉगिन कर सकते हो। बाकी अभी हम लोग बात करेंगे कैसे गूगल का पुराना आईडी आप लोग लॉगिन कर सकते हो। तो इसके लिए भी अब सेम मेथड रहेगा, आपको गूगल अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो भी आईडी है इसको लॉग आउट करना, एंड इसके बाद आपको गेम को बैक करना। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो पुराना गूगल अकाउंट था ना, मतलब पुराना फोन के अंदर या फिर पुराना जो भी गूगल अकाउंट है आपको उसको लॉग इन करना है। जिसके लिए आप लोग यूट्यूब पर जा सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो। तो यहाँ पे जाके आप लोग स्विच अकाउंट पर क्लिक करके प्लस आइकन पर क्लिक करना, उसके बाद ऐसे पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको क्या करना है पुराना आईडी को लॉग इन करना है। तो सबसे पहले आपका जो पुराना नंबर है उसको डाल देना, या फिर ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो। तो फिर पासवर्ड पता है तो पासवर्ड डाल देना, एंड पासवर्ड नहीं पता है तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, तो अगर आपके पास पुराना फोन है पहले से तो आप लोग यूज कर सकते हो, नहीं है तो ट्राई अनदर पे क्लिक करना। फिर ऐसे पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कैसे रिकवर कर सकते हो। तो आपका नंबर वगैरह बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोग इसको यहाँ पे रिकवर कर सकते हो, नंबर वगैरह डाल के ओटीपी वगैरह आएगा तो उसको डाल के आप लोग रिकवर कर सकते। इस चीज को भी आप लोग यूट्यूब पे जाकर एकदम अच्छे से देख सकते हो, पहले इस वीडियो को देखना उसके बाद ही जाकर देखना। तो यूट्यूब पे जाकर आप लोग ऐसे सर्च करना पुराना जीमेल अकाउंट कैसे खो
खोले, ऐसे आप लोग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत से वीडियोस मिलेगा, इनको देख के आप लोग एकदम अच्छे से आपका जो पुराना आईडी है उसको लॉग इन कर सकते हो। तो या फिर देख लेना इस वीडियो को, देखो उसके बाद ही जाके देखना, मैंने जितना देखा है ना ज्यादा लोगों का उतना से ही हो जाएगा, तो आप लोग आराम से लॉग इन कर सकते हो। फिर इसके बाद कैसे आपको दोबारा से फिगर कॉपी करना है, मतलब गूगल अकाउंट को, पुराना गूगल अकाउंट को पहले फोन के अंदर लॉग इन करना है, इसके बाद आपका फिगर कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ पे गूगल आपको चूज करना है लॉग इन के अंदर जाके, और इसके बाद पुराना आईडी को बस आप लोग चूज करना है। जैसे चूज करोगे आपका पुराना आईडी आपका न्यू फोन के अंदर या फिर आपके पास जो भी फोन है उसके अंदर लॉग इन हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले गाइस, अगर आपको फिगर के अंदर फ्री में डायमंड चाहिए, फ्री में रेम कोड चाहिए, पैसे वगैरह चाहिए, तो आपके लिए गाइस बहुत ही मस्त एक ऑफर आ चुका है आपके टाइम पे, जिसको आप लोग बहुत ही इजीली क्लेम कर सकते हो। ऑफर को कैसे क्लेम करना है, कैसे फ्री में डायमंड मिलेगा फिगर के तरफ से, ऐसा क्या ऑफर है, अगर आपको जानना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको और एक वीडियो का लिंक मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद उसको जाके देख लेना। तो गूगल अकाउंट का हो या फिर फेसबुक अकाउंट का हो, कैसे आप लोग रिकवर कर सकते हो पुराना आईडी को, कैसे आप लोग वापस ला सकते हो, कैसे पुराना आईडी को लॉगिन कर सकते हो, इसके बारे में मैंने एकदम अच्छे से आपको बता दिया, तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो। एंड बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस आपका जो पुराना फेसबुक अकाउंट है उसको पहले इस वाले फोन के अंदर लॉग इन करो, आपके पास जो फोन है उसके अंदर लॉग इन करो, जैसे ही लॉग इन करोगे उसके बाद फीडबैक के अंदर लॉग इन करोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड ऐसे ही आपका जो पुराना गूगल अकाउंट है उसको भी आप लोग लॉग इन कर सकते हो, अपने फोन के अंदर लॉग इन करोगे, गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लोगे, फीडबैक के अंदर भी जाके, तो आपका भी यहाँ पे आ जाएगा आईडी वगैरह। बाकी अगर आपका फेसबुक अकाउंट गूगल अकाउंट लॉग इन करने में आपको दिक्कत आ रहा है, मैंने जैसे देखा है ना वैसे नहीं हो रहा है, तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर सर्च भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपको सर्च करना है, तो बहुत से वीडियोस वगैरह आपको मिलेगा, आप लोग अच्छे से जाकर लॉग इन भी कर सकते हो। तो कुछ ऐसा इस वीडियो आई आपको वीडियो पसंद होगा, वीडियो पसंद होगा इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, फिर बेगन है उसको शेयर करना, और आपका स्क्रीन के ऊपर और एक वीडियो होगा आप लोग उसको भी जगह देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जाकर देख लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।